ट्रेन काहे नहीं चल रहा है इस पे? सरकार के गाड़ी में गई बा और कैसे नहीं चल। मोदी मोदी आई दुकाना का आदित्यनाथ लालनाथ कौन चलाई सारे नाथ कैसे क्या बोल रहे जोगी के चाटी हैं जोगी जी चाहे दूसर ऐसे क्या बोल रहे जोगी बाप कैसे बोली देखा तो नहीं कि उत्तर प्रदेश कई करोड़ रुपया खर्च हो गई झाड़ू खर्चा नहीं है आ लोग कहता कि चली चली लाल चलती है गौ माता तो कुछ बोली नहीं। ये गाय है जो ट्रेन पे चढ़ करके जाती है और इसलिए यहाँ पे बांध के रखा हुआ। अभी हम भारत के एक ऐसे रेलवे स्टेशन पे हैं जहाँ तो कभी आज तक कभी ट्रेन आई ही नहीं। रेलवे स्टेशन पूरी तरह से बनकर तैयार है और देख सकते हैं पूरा रूपरेखा रेलवे स्टेशन का दिया गया है इसको। और यहाँ पर अगर मैं जानकारी के लिए बताऊँ तो यह जो जगह है उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले के खड्डा विधानसभा क्षेत्र का ये छितौनी रेलवे स्टेशन है। यहाँ पे लिखा हुआ होगा लेकिन अब मैं दुर्भाग्य की कहूँ या क्या कहूँ इस जगह का कि इस जगह पे दुर्भाग्य है कि यहाँ पर आज तक एक भी ट्रेन नहीं आई। और यहाँ पे देखिए श्री नवजुवक दुर्गा पूजा समिति रेलवे स्टेशन पे लिखा हुआ है। सारी चीज़ें मैं दिखाने की कोशिश करूँगा विस्तार से यहाँ पे, इसलिए कि भारत में एक ऐसा पहला रेलवे स्टेशन है जहाँ पर आज तक कोई ट्रेन नहीं आई। यहाँ पे सब कुछ बन करके तैयार है, लाइन भी है, प्लेटफॉर्म भी है, सारी चीज़ है, लेकिन यहाँ पर अभी तक एक भी ट्रेन नहीं आई। लोगों में काफ़ी गुस्सा है यहाँ पर, इसलिए कि जब ये स्टेशन बन चुका था करोड़ों के लागत से ये स्टेशन बना तो इस पर आखिर आज तक ट्रेन चली क्यों नहीं। ट्रेन यहाँ पर देखिए, उधर मैं दिखाने की कोशिश करूँ, देखिए रेलवे प्लेटफॉर्म है, इस पर बकरियाँ चर रही है, यह रेलवे ट्रैक है जिसपे घास उग गए हैं, जंगल आ गए हैं, पूरा के पूरा रेलवे ट्रैक जंगल बन गया। और ये जो लाइन है डबल लाइन का रेलवे प्लेटफॉर्म बनाया गया था, इस पर डबल आने और जाने दोनों जो ट्रेन थी दोनों के लिए यहाँ बनाया गया था। मैं चाहूँगा थोड़ा सा इधर दिखाइए। और सबसे बड़ा हैरानी की बात ये है कि यहाँ पर इस स्टेशन में गाय भैंस बांधे जाते हैं। भारत का ऐसा पहला रेलवे स्टेशन है जहाँ पर गाय भैंस बांधा जाता है, वो भी प्लेटफॉर्म पर। हम गैया से पूछते हैं, रेल आती है यहाँ पर? रेल आती है गौ माता? तो कुछ बोल ही नहीं रही भाई, अभी देखबे नहीं किए तो क्या बोलेगी कि यहाँ ट्रेन कभी आई या ना आई, कुछ पता ही नहीं है। चलिए वो एक और भी है वहाँ पे जो ट्रेन पे चढ़ के जाने वाले गाय हैं, यहाँ पर ये जो गाय है ये गाय है जो ट्रेन पे चढ़ करके जाती है और इसलिए यहाँ पे बांध के रखा हुआ है। ट्रेन में कितना बजाती है गाय माता? अरे बाप, ये तो भाग रही है अभी ऐसे। देखिए ये है रेलवे और ये है भारत का भविष्य यहाँ का रेलवे का, जो आज तक प्लेटफॉर्म बन चुका लेकिन आज यहाँ अभी तक ट्रेन एक भी नहीं आई। यहाँ पर भी मैं दिखाने की कोशिश करूँगा। देखिए ये रेलवे का टिकट काउंटर घर है, यहाँ पे टिकट मिलने का जो जगह बनाया गया था ये है। देखिए पूरा कूड़ा में एकदम तब्दील हो चुका है, यहाँ पे इसमें बकरियाँ रहती है, देख लीजिए जिस चीज़ को दिखाइए आप, ये जो है ये बकरियाँ रहती है। यहाँ पे पूरा सारे चीज़ बनाए गए थे, देखिए ये पैनल बनाए गए थे रेलवे के लिए, पैनल जो अभी तक बिल्कुल सही सलामत है इसमें, हालांकि सामान इसके अंदर का ख़त्म हो चुका है। इसमें बकरियाँ गाय भैंस बांधे जाते हैं यहाँ पे, और मैं इसलिए दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इस पर करोड़ों रुपये खर्च करके इस रेलवे स्टेशन को बनाया गया, लेकिन दुर्भाग्य है कि इस जगह पर इस रेलवे स्टेशन पर आज तक गाड़ी नहीं चली और अब तो चलने की बात भी नहीं है, संभावना भी नहीं है, जब तक कि यहाँ के सांसद नेता जो भी है मंत्री लोग जब तक इस पर कोई कठोर कदम नहीं उठाते हैं तब तक यहाँ पे रेलवे नहीं चलेगी। इसलिए देखिए यहाँ पे सबसे बड़ी बात है, विडम्बना है हमारे भारत का कि ये जो ट्रैक बनाई गई थी इसमें करोड़ों नहीं अरबों रुपये खर्च किए गए हैं, जो कि ये जो रेलवे स्टेशन छितौनी है इसको पूर्ण सुचारू रूप से चालू करने के लिए लोगों की सहायता के लिए। ये जो रेलवे स्टेशन है, जब लालू यादव जी रेल मंत्री हुआ करते थे उस समय का रेलवे स्टेशन है ये, और उस समय बना था 2007 में, और 2007 से लेकर आज तक इस रेलवे का जीर्णोद्धार नहीं हुआ और ना ही इसका कायाकल्प हुआ, इसकी बाट जो रहे हैं हमारे पास यहाँ के लोग हैं। क्या नाम है आपका सर? भूले साहनी जी। कब बना था ये रेलवे स्टेशन? ये 2007 में बना था। कौन उस समय मंत्री थे? लालू प्रसाद थे वो, जो कि लालू यादव जी मंत्री थे उस समय। हाँ, अच्छा, इस पर ट्रेन नहीं आई अभी तक? ना, अभी तक नहीं आई। कहे लोग जो है कि ट्रेन आएगी। अच्छा, ट्रेन आएगी आएगी, बहुत बना जल्दी से, स्टेशन भी बन गया, ये भी बन गया। का नाम है? बुटाई। ट्रेनवा रेलवे स्टेशन कब बना था? हमको जानकारी का बहुत पुराना चल। कैसे बनी? कैसे बनी? लोग बनावल और कैसे बनल लोग? हाँ,
आज ट्रेन काहे नहीं चल रहा है इस पे? सरकार के गाड़ी मंगवेल बा और कैसे नहीं घर चलत। सरकार के काहे बोल रहे हैं? सरकार तो बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं आजकल। चटला बा सरकार, सरकार ने अथी कइले बा, हम कॉल ल मोदी मोदी आई ए दुकान का आदित्य नाथ लांगर नाथ कौन चलवाई सारे नाथ कैसे का बोल रहे हैं? जोगी जी है कौनो नहीं चलवाई, बात खत्म कराई। काहे नहीं चलेगा? चलेगा चलेगा जान तो चलेगा, जोगी जी चलवाएंगे जान चाटी है जोगी जी चाहे दूसर के। कैसे का बोल रहे हैं जोगी जी? कैसे बोली देखो तनी के उत्तर प्रदेश कई करोड़ रुपया खर्च हो गई और झाटू खर्चता नहीं है और लोग कहता की चली चली लाल चली ना चली। गुस्सा में लग रहे हैं आप चाचा, का बात गुस्सा में? देखो तन बात हो अच्छा अच्छा। साफ तौर पे हमें यहाँ पे लोगों को ये कहना है कि इस जो रेलवे स्टेशन है यहाँ पे आज तक ट्रेन ना चली। लोग मंत्री और यहाँ से बहुत नाराज़ हैं, यहाँ तक कि मोदी जी से नाराज़ हैं। भाई मोदी जी से नाराज़ हैं कि अगर करोड़ों अरबों रुपया इस पे खर्च किया गया तो आज तक ट्रेन चली क्यों नहीं। दिखाइए थोड़ा सा ऊपर से, ये बनाया गया है, ये शेड है जो यहाँ का। मैं आपको कुछ लोगों और मिलवाने की कोशिश करता हूँ जो यहाँ पे बैठ कर ट्रेन का इंतज़ार कर रहे हैं। और बकरियां जो है ना, ये बकरियां भी ट्रेन पर चढ़ने वाली बकरी है। यहाँ के इतना स्टैंडर्ड बकरियां हैं जो ट्रेन पर चढ़ेंगी अब, क्योंकि जो रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर जब बकरी रहेंगी तो बकरियां ही चढ़ेंगी। कुछ लोग यहाँ पे हैं और यहाँ पे देख सकते हैं ये जो जंगल सा बन गया है इसके ट्रैक पे। क्या नाम है चचा? भागीरथी। भागीरथी जी, एक पे ट्रेन कभी चल रहा? इतनी चल रहा है पहले। अच्छा 93 में बंद हो गया। 93 में बंद हो गया? हाँ 93 में वो जब लाइन बंद गया तो उधर चले गया, इधर नहीं आया। अच्छा दूसरा तरफ से लाइन चला गया? हाँ वहाँ पनिया से लाइन फूट के बिहार चला गया, वहीं आसाम सिल्लीगुड़ी। अच्छा। और मुजफ्फरपुर वही चले गया, बस इधर कोई ध्यान नहीं दिया। आप सरकार से क्या कहना चाहेंगे? सरकार से यही कहना चाहिए जो यहाँ बन जाए, यहाँ के जनता सुरक्षित रहें, यही कहना चाहिए। अच्छा किनके टाइम में स्टेशन बना था आपको पता है? उस समय कौन मंत्री थे? कहा जाता है कि लालू यादव जी रेल मंत्री थे उस समय बना। हाँ उसी समय लालू के होते में बना है, पर लालू गिर गए पद से बंद हो गया। अच्छा लालू जी गिर गए तो पद से बंद हो गया ये ना। चलिए और एक और चाचा हैं, क्या नाम है चाचा आपका? राजा राम। रेलवे स्टेशन कब बना था? रेलवे स्टेशन तो बहुत पहले का। अच्छा बाद में तोड़ ताड़ के नया बनाया गया। हाँ फिर तोड़ ताड़ के नया बनाया गया है लालू के समय में। अच्छा लालू जी के समय में? हाँ। लालू जी कहे नहीं बनवा दिए? रेल चलवा दिए? उतर गए तो क्या बनवा? लालू जी उतर गए? हाँ उतर गए। उतर गए तो यहाँ स्टेशन उतर गया? हाँ स्टेशन नहीं उतरा है। लोग यहाँ पर अब बकरी चौवा चराते हैं, 10 आदमी यहाँ बैठते हैं। अब दूसरा कोई अथी नहीं हो रहा है यहाँ पर, कुछ नहीं हो रहा है। यहाँ पर मिल भी खराब हो गया, यहाँ पर स्टेशन भी खराब हो गया, यहाँ के जनता मर रहे हैं। कोई सुविधा नहीं मिल पा रही? कोई सुविधा नहीं मिल रहा। योगी जी से कितना खुश हैं आप? आपके राज्य में योगी जी मुख्यमंत्री हैं, कितना खुश हैं? योगी तो सब काम फिट कर रहे हैं, लेकिन जो जो काम कर रहे हैं वो तो बढ़िया कर रहे हैं। अच्छा। लेकिन हमारे लिए तो कुछ लोगों के लिए नहीं ठीक है। मतलब स्टेशन इनका साफ तौर पर गुस्सा झलक रहा है कि जो स्टेशन है अभी तक यहाँ पे अब रेलवे नहीं चल रही है और अब शायद लगता है कि चलेगा भी नहीं। मैं चाहूँगा कि तमाम जितने भी अगर आला अधिकारी देख रहे होंगे और जितना भी नेता मंत्रीगण देख रहे होंगे इस पर पहल किया जाए, और नहीं तो यहाँ से सब जो रेलवे का ट्रैक है उसको उठा करके यहाँ ले जाइए, कोई काम में आएगा। करोड़ों अरबों में जो है रेलवे ट्रैक बिकता है, आप जा करके इसको लगा दें कहीं पर तो अच्छा होगा। बहुत बहुत शुक्रिया, आभार, जय हिंद।